सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। अब देखो, मैं सीधे मुद्दे पे आने से पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूंगा। भाई ये वाओहांग कौन है? अब देखो, ये है वाओहांग, याद रखना अगली बार से। चलो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर लेलिन और काइडो दोनों डिफीट हो जाते हैं, इससे वर्ल्ड में क्या असर पड़ेगा, वर्ल्ड का बैलेंस किस तरह से बिगड़ेगा, सब चीज के बारे में बात करूंगा आज इस वीडियो पे। सब चीज के बारे में मैं चर्चा भी करूंगा और तुम्हें जवाब भी बताने का ट्राई करूंगा, क्या है मेरा ओपिनियन। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला, वन पीस का वर्ल्ड का किस तरह से बैलेंस बिगड़ेगा, तो उससे पहले हम बात करते हैं आखिर किस तरह से वन पीस के वर्ल्ड का बैलेंस बना हुआ रहता था। मैंने यहाँ पर रहता था बोला, क्योंकि वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद हो गया। वन पीस के वर्ल्ड को थ्री ग्रेट सुपर पावर होल्ड करती थी और उसका बैलेंस बना के रखती थी, मरीन्स, वॉरलॉर्ड एंड योंकोस। और तुम जैसा कि जानते हो, वानो अर्क के 956 एपिसोड पे या फिर शायद 957 एपिसोड पे, मुझे नंबर याद नहीं रहते हैं तो माफ कर देना, मुझे एपिसोड का नंबर याद नहीं है, तो इसी के आसपास वाले एपिसोड पे वॉरलॉर्ड सिस्टम को बंद कर दिया गया। अब देखो, ये वॉरलॉर्ड्स थे कौन? ये ना, सीधे भाषा में कहूँ तो ये पायरेट्स ही होते थे, बट ये मरीन्स की चमचागिरी करते थे। इन्हें मरीन्स का कुत्ता भी कहा जाता था या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट का कुत्ता भी कहा जाता था, क्योंकि ये होते ही चोर हैं। बिकॉज़ डॉफ्लामिंगो और क्रोकोडाइल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। एक ने अल्बास्टा को पूरे अपने कब्जे में लेने का ट्राई किया, तो दूसरे ने यार ड्रेसरोजा को तो लेके ही रखा था, काइडो के अंदर स्मगलिंग कर रहा था। बट यहाँ पर हम लोग मरीन्स के पास आएंगे, पर उससे पहले ये जान लो कि तुम्हें क्या लगता है, ये वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद होने से मरीन्स के पार में असर पड़ेगा? मेरे को लगता है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कैसे? फुजितोरा के हिसाब से चले तो एसएसजी उनकी जगह लेगा। एसएसजी के पास कुछ ऐसा है जो वॉरलॉर्ड को रिप्लेस करेगी, बट मुझे एक बात का श्योर है, एसएसजी जो कुछ भी ला दे, इस महान पुरुष को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। भाई हॉकाई मिहॉक, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, इसको कौन सरपास करेगा बे? इसको तुम लोग वॉरलॉर्ड से हटा रहे हो, वॉरलॉर्ड सिस्टम बंद करो, मतलब तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसा क्या हाथ में हथियार आ गया? मैं भी जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सिर्फ यही बुड्ढा है जो इसको रिप्लेस करने का शायद ताकत रखता है, पर ये नहीं आएगा, बिकॉज यार ये फाइव एल्डर्स में से एक है। हाँ, तो मैं जैसा कि कह रहा था, वॉरलॉर्ड्स यार मरीन्स के अंडर ही रहते हैं और अपना दबदबा रखते हैं, बाकी पायरेट्स को जब तक जो है पकड़ते रहते हैं, जब तक मार दो, जो मन किया वो करो, मरीन्स तुमको कुछ नहीं करेंगे, मरीन्स यार तुम्हारे ही सपोर्ट में, और जनता इन्हें हीरो की तरह देखती है। ये वॉरलॉर्ड्स ज्यादातर पैराडाइज के एरिया में पाए जाते हैं, सिवाय अगर हम लोग डॉफ्लामिंगो को छोड़ दे तो, क्योंकि डॉफ्लामिंगो ड्रेसरोजा में अपना कब्जा करके रखा था, वहां पर अपने वॉरलॉर्ड की धाक भी दिखाता था, साथ ही साथ वो काइडो का चमचागिरी भी करता था। ये इतना ज्यादा कमी ना, ये जहाँ फायदा देखता है वही यार जा करके लुढ़क जाता है। बट तुम सब जानते हो किसकी बदौलत ये सारे लफड़े यार खत्म हो गए। भाई रेवरी में तो बाद में मुद्दा गया, पहले लूफी ने ही इन सब का काला चिट्ठा निकाला और इन सबको धोया। अगर क्रोकोडाइल को नहीं हराता, अगर ड्रेसरोजा में डॉफ्लामिंगो का सुकड़ा साफ नहीं करता, तो आखिर उनके जो एक्चुअल किंग्स है उनको कैसे ये बात मालूम पड़ता है, ये लोग कैसे वहां से आजाद होते? तो इसी वजह से इन्हें बंद कर दिया गया। और लूफी ने बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स को डिफीट भी किया है, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले वॉरलॉर्ड्स एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि ब्लैक बियर्ड। हाँ, अभी वो योंको बन गया, बट वो पहले वॉरलॉर्ड हुआ करता था। फिर बात करने जाऊं तो बो हैनकॉक, टाइम स्किप से पहले लूफी उससे वीक था। हॉकाई, ये वन पीस के वर्ल्ड का सबसे खतरनाक तलवारबाज है, इसको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे महान महान तलवारबाज अभी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिवाय कुछ को छोड़ करके इसके लेवल का बहुत मुश्किल से तुम पहुंच सकते हो। फैंग्स इकलौता पायरेट है जो इसके लेवल को टच करता है। ये सब बातें तो हो गई वॉरलॉर्ड्स को लेकर के, अब हम बात करते हैं मरीन्स को लेकर। मरीन्स सीधे सीधे कहूँ तो ये लोग चमचागिरी करते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन की, जैसे वॉरलॉर्ड्स करते थे मरीन्स की, और इनका दबदबा रहता वन पीस के आधे वर्ल्ड पे। ये लोग एक तरह से यहाँ का पुलिस वगैरह है, यहाँ की नेवी है, ये लोग पायरेट्स को पकड़ते हैं न्यू वर्ल्ड में जाने से। अब वहाँ क्यों जाने से रोकते हैं, इन पे मैंने बहुत बार वीडियो बना के बात कर रखा है, तो तुम लोग अगर वो वाला वीडियो देख रखे हो तो तुमको यार उस बात का नॉलेज तो जरूर होगा। वही अगर मैं बात करने जाऊँ न्यू वर्ल्ड की तरफ, तो न्यू वर्ल्ड पे दबदबा रहता है इन चार योंकोस का, या फिर कह लो इन चार महापुरुषों का। ये लोग वन पीस के आधे वर्ल्ड को, जिसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है,
ये लोग अपने कब्जे में करके रखते हैं। जो भी पायरेट न्यू वर्ल्ड में गया, एक तो इसके अंडर काम करो या फिर इनमें से किसी को हराओ और खुद योंको बन जाओ, जो कि अपना लूफी भली भांति कर रहा है। किड ट्राई किया था बट यार सैंक्स ने उसका हाथ काट के भेज दिया। पर अब अगर मैं बात करने जाऊं कि लिलिन और काइडो डिफीट हो जाते हैं क्या होगा, अब देखो इसमें कोई शक नहीं है, लूफी जो है एक योंको बन जाएगा, बट लिलिन का जगह कौन लेगा? किड स्ट्रांग है बट किड का क्रू उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉ भी स्ट्रॉन्ग है बट लॉ का क्रू स्ट्रॉन्ग नहीं है। लॉ का क्रू यार मच्छर जैसा है भाई। योंको का क्रू अगर तुम देखने जाओ ना, उसका एक एक बंदा यार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। व्हाइट बियर्ड जब मरीनफोर्ड में लड़ा था भाई, मार्को, विस्टा, डायमंड जोजू, एस, ये लोग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लोग योंको के कमांडर है। बिग मॉम की बात करूं, काटाकुरी, क्रैकर, स्मूदी, काइडो के पास चल जाए, क्वीन, जैक, किंग, सैंक्स के पास चल जाओ, बैन बैकमैन, यासोप, लकी रू, ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड के क्रू में सीरियो ऑफ द रेन के अलावा और बाकी का नाम है मुझे याद नहीं रहता, पर वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं अगर मैं बात करने जाऊँ यार किड और लॉ की, ये लोग दम नहीं रखते हैं, सच बता रहा हूँ, ये लोग ताकत नहीं रखते हैं किसी योंको को रिप्लेस करने का। अभी के टाइम पे भी भले ही अभी जैसा तैसे करके उन लोग यार बिग मॉम को नीचे गिरा दिया है, बहुत तगड़ा डैमेज दे दिया है। वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के स्पॉयलर का आने का, बिकॉज वहां पर अनाउंसमेंट होगा लिलिन हारी है या फिर अभी भी टिकी हुई है, वो चीज मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर ये अनाउंसमेंट हो भी जाता है कि लिलिन हार गई है, तुमको क्या लगता है लिलिन का थ्रोन हट जाएगा? मुझे नहीं लगता लिलिन का थ्रोन हटेगा। अब उस बात पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं लूफी की बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का मानना है लूफी फिफ्थ एम्परर है या फिर कह लो फिफ्थ योंको है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मॉर्गन ने यार गांजा फूक के छाप दिया था, ऐसा कह देने से कोई फिफ्थ एम्परर नहीं बन जाता, क्योंकि योंको में जो योन होता है ना उसका मतलब ही होता है चार, जापानीज में 4 Emperors of the Sea योंको का एक्चुअल इंग्लिश में मतलब होता है, समझ में आया? अगर काइडो हारता है तो उसका जगह लूफी ले सकता है, बिकॉज उसके क्रू मेंबर्स योंको लेवल हो चुके हैं। जोरो भी एक योंको के कमांडर जितना स्ट्रांग हो गया, सांजी भी एक योंको के कमांडर जितना स्ट्रांग हो गया, और बाकी सारे मेंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं सिवाय उसोप को छोड़ करके। उसोप को शायद नेक्स्ट आर्क में बिल्डअप मिल जाए, वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, उसको पावर अप मिल जाए। बट वही अब मैं बात करना चाहूंगा किड एंड लॉ की, उसके क्रू में, मैं यहाँ पर किड की बात कर रहा हूँ। किलर ने बैदल हॉकिंस को हराया, बट बैदल हॉकिंस योंको के कमांडर जितना स्ट्रांग थोड़ी है। अगर मान लो लिलिन को उस थ्रोन से हटा दिया जाता है, योंको से हटा दिया जाता है, पर फिर भी तुम किसी एंगल से सेंस ही नहीं बनाता कि ये दो नमूने जाके लिलिन का औहदा छीन सकते हैं। भले ही उसको जैसे तैसे करके चलो मान लिया कि उसको हरा दिया, पर लिलिन अगर हट गई ना वो हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये दोनों में से किसको बनाओगे? ये दोनों आपस में अलायंस बनाएंगे नहीं, ये दोनों एक क्रू में ज्वाइन होंगे नहीं, बिकॉज ये दोनों ही कैप्टन है। तुम बोलोगे किड को जा लॉ के अंडर बन, नहीं होगा यार, ना ही लॉ जाएगा किड के अंडर, ये चीज नहीं होने वाला, बिकॉज एट द एंड हम सबको पता है लॉ ने भाई केरूम करके क्या ही फाड़ा है, और किड ने भी अपना पावर दिखा के बहुत ही तगड़ा फाड़ा है, तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद किसी न किसी तरह से लिलिन चल जाए वापस अपने टोटो आइलैंड। और एक चीज पे तुम गौर करना, अगर तुमने मेरा ये योंको ओरिजिन वाला वीडियो देखा, यहाँ पर मैंने बताया था कि योंको उसका इजाद किस तरह से हुआ होगा। अगर उस हिसाब से पक्का हुआ है तो मेरे को ऐसा लगता है लिलिन का थ्रोन नहीं छीनने वाला, लूफी बन जाएगा योंको, वो काइडो को हरा करके बन जाएगा, बट लिलिन से थ्रोन छीनना ये उसके साथ अनफेयर होगा, बिकॉज तुमने उसका टेरिटरी नहीं छीना है। लूफी यहाँ पर काइडो की टेरिटरी पे कब्जा कर लेगा एक तरह से, अगर हम लोग देखने जाए भले ही वो किसी एरिया को कब्जा नहीं करता है, पर यहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा ये मेरे अंडर आता है, वरना वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो को अपने कब्जे में ले लेगी, और यहाँ पर ओडेन का भविष्यवाणी फेल हो जाएगा, बिकॉज ओडेन ने भविष्यवाणी किया था वानो के गेट्स को कोई आकर के खोलेगा, पर लूफी खोल नहीं पाएगा ऐसे में। और लूफी को क्या करना है भाई, वानो को फ्री रखना है, फ्री करना है। काइडो से अगर वो फ्री करेगा और वो चला जाएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जे में ले लेगी, इससे अच्छा लूफी उसको अपने अंडर ले ले। इससे क्या होगा, पहला चीज वानो पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेगा, किसी का मजाल है साला जा करके योंको से जाके भिड़े नहीं ना, वैसे ही फिशमैन आइलैंड भी उसके अंडर तो आता ही आता है, भले ही वो कहता नहीं है पर जिनबे उसके क्रू में है और जिस हिसाब से यार लूफी ने काम किए हैं वो तो उसके अंडर आना ही है। वहीं अगर मैं बात करने जाऊँ बिग मॉम की, बिग मॉम को वापस जाना चाहिए टोटो आइलैंड और उसको अपने कब्जे में अभी भी रखना चाहिए, जिससे उसका एम्परर का औहदा जो है बना रहे। और मुझे सच्ची में ऐसा लगता है
जब तक कोई और पायरेट आ करके किसी योंको को हरा के उसका एरिया यार नहीं ले लेता, उसको योंको घोषित नहीं करना चाहिए। बिकॉज लिलिन को अगर हम लोग देखने जाए तो लिलिन का जो अभी हाल हुआ है, हारी नहीं है ये, अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है। आज शाम को स्पॉइलर आएगा, वहां पर कन्फर्म हो जाएगा, रेडिट पे मैं देखना चाहूंगा, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि लिलिन हारी है क्या हुआ है। लिलिन को तुम मान लो हरा भी देते हो पर फिर भी तुम उसका थ्रोन नहीं छीन सकते, बिकॉज अभी भी टोटो आइलैंड उसके एरिया में आता है। अभी तक उसने उसके क्रू के साथ फाइट नहीं किया, वो तो बस एक साइड कैरेक्टर की तरह फाइट कर रही थी काइडो के साथ मिल करके, या फिर कह लो मिली भी नहीं, तो वो लूफी से बदला लेना चाहती थी, बट उसको किड और लॉ ने अलग किया जैसे तैसे करके, और वो लोग उसको अभी इतना ज्यादा डैमेज करने में कामयाब हो पाए हैं। मेरे हिसाब से एक योंको से उसकी पूरी ताकत या फिर कह लो उसका थ्रोन छीनना तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम उसको उसके घर में घुस के हराओ, तब जाके टोटो आइलैंड भी उससे अलग हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा और तुम उसको अपने कब्जे में ले लोगे। अब तुम बोलोगे भाई लिलिन तो हार गई ना, अगर ये लोग जाके बोलते हैं तुम्हारे कैप्टन को हमने हरा दिया, टोटो आइलैंड हमें दे दो, तुमको लगता है भाई वो लोग हवाले करेंगे? भाई नहीं करेगा। अगर कोई और पायरेट क्रू होता तो चलो मान भी लेता, पर उसका जैसा बेटा है ना काटागुरी, वो नहीं हवाले करेगा यार। मैं जहां तक जानता हूँ काटागुरी को, वो लड़ना चाहेगा, बिकॉज तुम सब जानते हो काटागुरी का पर्सनालिटी किस हिसाब से, वो एंटागनिस्ट है बट वो अपने तरह से अपने तरफ से हीरो ही है, वो अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। मैं ये चीज देखना चाहूंगा कि लूफी योंको बन जाए बट उसके बाद लिलिन योंको रहती है या फिर नहीं रहती है, लिलिन का औदा हटता है या फिर नहीं रहता है। मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अब बात करते हैं लूफी अगर काइडो को हरा देता है क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो बात कर दिया लिलिन को लेकर के, लिलिन हार भी जाती है तो क्या चीजें हो सकती है। अब बात करते हैं काइडो को लेकर के, अगर काइडो हार जाता है सीन क्या होगा, वानो पूरी तरह से फ्री बट वर्ल्ड गवर्नमेंट कब्जा करने आएगी और लूफी को यहाँ पर कहना पड़ेगा यहाँ पर ये एरिया मेरे अंडर आता है, जिससे यहाँ पर वो एक तरह से एक एम्परर वाला काम करेगा, जिससे वो प्रॉपर योंको बन जाएगा, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर ले रहा है। और ओडा के अगर हम लोग जम फेस्टा वाले स्टेटमेंट पे जाए तो वहां पर उन्होंने कहा था कि मेन कैरेक्टर पे ध्यान देना, तो हाँ हो सकता है लूफी यहाँ पर अपना जलवा दिखाए। प्लस क्या तुम सबने एक और चीज पे गौर किया, अगर लूफी योंको बन जाता है तो न्यू वर्ल्ड के लगभग जो बड़े बड़े हिस्से हैं, मेन आइलैंड है, वो लूफी के अंडर ही आ जाएंगे। फिशमैन आइलैंड उसी के अंडर, पंख हजार्ड भी उसी के अंडर, ड्रेसरोजा भी उसी के अंडर, वानो भी उसी के अंडर, और सांजी जर्मा का प्रिंस है, तो एक तरह से हम लोग जर्मा को भी उसी के अंडर घोषित कर देंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अब तुम्हारा क्या मानना है, मैं ये चीज यार कमेंट बॉक्स में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मुझे जानना है यार तुम्हारा क्या मानना है। और हाँ, आफ्टर वानो आर्क क्या होगा इस पे मैं अपना प्रेडिक्शन वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द, उस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही जल्द चर्चा करेंगे यार, तो थोड़ा सा एक्साइटेड रहो। मैं वो चीज जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में तुम लोग अपने थॉट्स बताओ, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, और हाँ अगर तुम घूमते घामते इस चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तेरे को नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम आकर के ये वीडियो पहले देख के एंजॉय कर पाओगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になって